गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया था, तो उसका डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है और मैंने याद किया था, तो इसको मैंने दोबारा फिर ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये KLMN एक कोऑर्डिनेटर है, हमने ये पता करना है, ये प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है, एक्सप्लेन करना है। और उसके साथ साथ अगला भी क्वेश्चन है इसमें कि विच टू साइड आर पैरेलल, दो साइड कौन सी पैरेलल है इसमें, वैसा पूछा गया है। तो हमने क्या किया, इन दोनों अगर एंगल्स को हम प्लस कर दें, देखिए बराबर एल कितना है 80 डिग्री, और हम लेते हैं इसको एल एल है हमारा 80 डिग्री और एम कितना है 100 डिग्री, एल की वैल्यू 80 डिग्री याद रखी है, एम की वैल्यू 100 डिग्री, तो एल प्लस एम बराबर हो गया 180 डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस करते हो तो आ गया 180 डिग्री। अब अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो यहाँ से कौन सा एंगल भी आया, यस सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू, बट इट इज द सम ऑफ टू sum of two adjacent angles is 180 degrees। अभी हम लिखी है क्या आएगा, अब जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का इस तरह से सम अगर 180 डिग्री हो, इसका मतलब क्या आ गया, केयर पैरेलल हो और आपने यहाँ पर दिखाई दिया केयर पैरेलल टू एम एन, इसका क्वेश्चन क्या है विच टू साइड्स आर पैरेलल, तो केयर पैरेलल टू एम एन, ये पूरा हो चुका है इसका क्वेश्चन नंबर 11 देने जा रहे हैं, ओके 11 देने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है इन फिगर 3.33, फिगर आपको मेंशन कर रखी है बुक में, कहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी फाइंड करना आपने इफ ए बी पैरेलल टू डी सी है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम ये इसका डायग्राम और ये डायग्राम हो गया, इसकी बाउंड्री रिंग लेवलिंग सी ए बी और ये सी और ये क्लियर है। अब इसमें एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ज़्यादा 120 डिग्री एंगल आपका गिवन है, और क्या है इसमें कहते हैं हमें टू फाइंड में है एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, हमें ये नहीं कहा ये अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल फाइंड नहीं करना, और ये दे दिया ए बी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू डी सी है, एक गिवन है, दे सॉल्व कैसे करेंगे, इट इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन, इसका मतलब कुछ नहीं देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, क्या है कि ए बी पैरेलल टू डी सी ये आपका गिवन है, तो भी अगर ये इसके पैरेलल है तो दोनों प्रदेशों को बना दो, ठीक है ना, क्या जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, ठीक है, और रीजन क्या है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वन, वही रीजन है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स
ये भगवान हमने इसका बना दिया है सम ऑफ एड दंगली अभी की वैल्यू कितनी है 1, 2, 2 और सी बराबर है 1, 2, 3 क्लियर है। अभी आप सी का मतलब है मेजरमेंट ऑफ सी बराबर है 1, 2, 3 माइनस क्लियर ना। अब यहाँ से वैल्यू सी के वैल्यू लगा देता हूँ तो मेजरमेंट क्लियर हो एल सी इक्वल टू 60 डिग्री ये आपका सॉल्यूशन आपका ये था। आई होप दैट अब क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं उसको देखो। 30 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तो इस तरह से है क्वेश्चन में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। पी और एस को हमने मेजर करना है इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.34 में देखिए। तो भाई 3.3 को मेंशन ड्रॉ कर लेते हैं ये आप भी आ गए 3.3 अच्छे से ना इस तरह से है मान लो तो ये आपका इस तरह से है और ये आपका गया या पी तो आर एस वन पी पॉइंट है जो तो है ये आर है ये आपका एस है और इसमें ये और ये सिंबल है आपने 90 डिग्री का ऐसा मेंशन है। तो फाइंड करना है एंगल पी एंड एस ये एंगल फाइंड करना मिलने वाला है ना और एक ये ऐसा मिलता है ये फाइंड अभी कर लिया इसका मतलब ये है करते हैं। तो इन जल्द एस पी एक दे रखा है सॉल्यूशन का फाइंड हमने को दिया टू फाइंड क्या एंगल पी कॉमा एंगल एस और सॉल्यूशन सॉल्यूशन में इसमें लिखा हुआ है मेंशन कि इफ एस टू पैरेलल टू आर इफ एस टू पैरेलल टू आर एस टू पैरेलल टू आर ये इसके पैरेलल अगर कोई बच्चा धीरे धीरे ऊपर लगाए कोई बात नहीं क्लियर है हो जाता है इसका। अब क्या जाएगा अब ये इसके पहले लगाए तो आप इन दोनों में रिलेशन कर सकते हो जैसे एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर है 180 ये ना काफ़ी बार यूज हो सकते ये कॉन्सेप्ट। तो आई होप दैट यू हैव लर्न प्रॉपरली ये तो आपको कंठस्थ ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो भाई अब क्या है ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एज 1 ये सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स तो पी कितना है तो ये पी को लिखता 2 1 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
अब इस क्वाड्रेंट में हम जांच रहे थे, मतलब क्या ना, तो एट बाई फाइव जमी होगी भाई, आपको तीन वैल्यू पता लगे तो तीन निकाल लो। तो ऐसे निकालने के दो सीखे हैं, एक तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर क्वाड्रेंट से निकाल सकते हो, और एक चाहे ऐसे निकाल लो। तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ। नाउ क्या आ जाएगा, एंगल एस प्लस एंगल आर बराबर का मतलब ये वाला रीजन है, समझे ना, दो का मतलब है जस्ट वो वाला रीजन। एस को निकालना आते हैं और आर कितना है, आर 90 डिग्री का सिंबल है, इटिंग का सिंबल हो 90 डिग्री, तो आपने क्या था 90 डिग्री बराबर है 180। तो एस कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, ध्यान से देख लो इसको, तो आपने एंगल एस की वैल्यू निकाल ली 90। तो फाइनल आपके आंसर आ सकते हैं, आंसर आप जानना चाहेंगे एंगल पी बराबर आपका आएगा 90 डिग्री और एंगल एस बराबर आएगा 90। आई होप दैट
यू हैव गॉट वेरी वेल, ये आप आ चुके हैं। अब इसके बाद आती है जी एक्सरसाइज 3.4, और उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। भक्ति में बात दूसरी है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ये क्लियर है तो डिस्कस करें। 3.6 3.4 जब आएंगे थोड़ा आपसे डिस्कस ज़्यादा समय मिलेगी। हाँ जी, 3.4 डियर स्टूडेंट, 3.4 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें उसमें कीवर्ड्स जो है, तीन तो हमने पहले करवा लिए थे, अब और एक्सरसाइज कीवर्ड्स का इसमें कीवर्ड दे देता हूँ जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट, एक था ट्रैपेज़ियम, दूसरा थाइस के अंदर आपका पैरेलल मैंने सिंबल ही लिख दिया, और तीसरा था इसमें पाइप, और चौथा इसमें पॉइंट जो आया था वो है आपका स्केयर स्केयर, और पांचवा पॉइंट इसमें आया था रोमबस रोमबस लेकर, और छठा पॉइंट इसमें आया है आपका रेक्टेंगल, समझ गए, छठा पॉइंट आया इसमें रेक्टेंगल। आपको बता दूँ फॉर करंट योर इन्फॉर्मेशन, हम ये पार्ट कर चुके हैं, डन डन डन, ये तीन पार्ट हमारे हो चुके हैं 3.3 में, फुल एक्सप्लेनेशन होगी। अभी तीन बच्चे हुए हैं, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस।